गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स यू विल लर्न मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर बाय थ्री डिजिट नंबर फोर डिजिट नंबर बाय टू डिजिट थ्री डिजिट सो मेनी स्टूडेंट नाउ यू आर गोइंग टू लर्न मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स बाय लैटिस मेथड्स ओके मल्टीप्लीकेशन मेथड लैटिस मल्टीप्लीकेशन मेथड में होता कैसे मल्टीप्लीकेशन इसमें बॉक्स रहता है बॉक्स को डायगोनल में बांट दिया जाता है और डायगोनल में बांट देने के बाद हम उसका मूल्यांकन करते हैं जैसे हमें 12 मल्टीप्लाई बाई 12 को लैटिस मेथड से करना है तो मुझे क्या करना होगा मुझे एक स्क्वायर कंसिडर करना होगा इस तरीके का स्क्वायर ठीक है और इस स्क्वायर में ठीक है इसको दो बराबर भाग में बांटिए और फिर से इसको और दो बराबर मतलब चार बराबर भाग में बांटिए क्योंकि हमारे पास कितने एक है 1 2 3 4 चार बराबर हो तो चार बराबर भाग में आना ही है ठीक है उसके बाद इस अंक को हम लिखेंगे यहाँ 1 2 इस तरीके से बॉक्स उससे पहले आपको करना क्या होगा इस जितने भी इसके अंदर जितने भी स्क्वायर्स हैं उसको आपको डायगोनली डिवाइड कर देना है ठीक है डायगोनली डिवाइड कर देना है ठीक है तो आपने लिखा 1 2 यहाँ पर भी लिखेंगे 1 2 क्योंकि मल्टीप्लाई करना है आप इस 1 2 को नीचे भी लिख सकते हैं और इस 1 2 को इधर भी लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता करना तो एक ही जैसा है तो हमने पहले एक स्क्वायर लिया उसको डायगोनली डिवाइड किया उसके बाद मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लीकेशन कैसे करें अब 2 को हमें 1 से करना है 2 1 2 होता है तो इसमें 0 2 लिखेंगे आप जानते हैं 0 और 2 ये 2 ही के बराबर है तो हम ऐसा लिखते हैं 0 या फिर हम लोग खाली भी छोड़ दे सकते हैं लेकिन खाली ना छोड़े इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो ठीक है 1 1 2 तो इसमें भी 1 1 तो इसके सामने जो जो स्क्वायर है ठीक है उसमें लिखे 1 1 तो 0 1 ठीक है तो 10 प्लस वाला जो भी डिजिट होगा जो ऊपर में आएगा और 1 प्लस वाला नीचे में आएगा हमेशा यही याद रखना है उसके बाद इसमें देखिए इसको इससे करते हैं 2 2 4 0 4 2 1 2 0 2 ठीक है अब हमें क्या करना है हमें एक बार इसे ऐड कर देना है ऐड करना कैसे तो डायगोनल तो अब ये सब सारा हाइड करो सिर्फ देखो ये डायगोनल में एक क्या है 4 ये 4 अब देखो 2 + 0 + 2 कितना हुआ 4 ठीक है इसको 4 लिखो 2 + 0 + 2 कितना हुआ 4 चलो अब देखना है 0 + 1 + 0 देखो इस एरे में है ना ये क्या हुआ 1 ओके तो आपका रिजल्ट आंसर क्या हो गया और इसमें तो 0 है ठीक है ना तो 0 1 4 4 क्या हमारा जो रिजल्ट है सही आता है या नहीं नंबर चेंज कर देना अब हम नंबर 3 नंबर मल्टीप्लाई बाई 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाई 2 डिजिट नंबर जैसे 397 मल्टीप्लाई बाई 42 ओके 397 मल्टीप्लाई बाई 42 अब इसमें एक में 3 अंक है और दूसरे में 2 अंक है तो इसके लिए मुझे कैसा बनाना होगा तो मुझे एक रेक्टेंगल बनाना होगा ठीक है रेक्टेंगल इस तरीके से बनाना होगा ठीक है अब 3 अंक है तो मुझे 3 कॉलम बनाना है ठीक है 3 कॉलम मैंने बना लिया और चूंकि 2 अंक है तो 2 रो भी बना लेना ठीक है तो 1 2 1 2 3 अब जिस अंक के लिए मैंने निर्धारित किया है 3 7 3 9 7 ये 9 7 है 9 ठीक है अब जितने भी ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको जितने भी स्क्वायर्स दिख रहे हैं उसको आपको डायगोनली डिवाइड करना है ठीक है आपको डायगोनली डिवाइड करना है ठीक है डायगोनली डिवाइड किए उसके बाद इस तरीके से आया फॉर है ना अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करना है 42 से अब अंक लिखना है 42
आप इसको इधर भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इधर भी इसको इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थ्री फोर जा, पहले मैं इसको कर रहा हूँ तो ये वाला ही बॉक्स में आएगा। थ्री फोर जा ट्वेल्व, वन ऊपर टू इंच। फोर नाइन जा थर्टी सिक्स, ऊपर नीचे थ्री, ऊपर थ्री नीचे सिक्स। फोर सेवन जा ट्वेंटी एट, ठीक है। चलिए अब टू से करना है क्योंकि पहला जितना भी सेल था सब भर चुका है। अब हम जो बचे हुए सेल्स हैं, ठीक है, जो डायगोनल जो बराबर हम काटे हुए उसको करना है। थ्री टू जा सिक्स, जीरो और सिक्स। थ्री टू नाइन जा एटीन, वन और एट। टू सेवन जा, ये टू है, टू सेवन जा फोर टू, वन और फोर। ऐड कैसे करना है, ऐड इधर से ही करना, राइट से साइड से ही करना, ठीक है। तो सारा डायगोनल छोड़ दीजिए, सारा को छोड़ दीजिए, मात्र एक को ही ध्यान रखिए, ठीक है। ये कितना है फोर, यहाँ तक से आएगा फोर, देखो एट बन, ठीक है, एट बन एट, एट प्लस एट सिक्सटीन, और सिक्सटी प्लस वन सेवनटीन, ठीक है, सेवनटीन सेवन। और एक जो कैरी रह गया हम इस डायगोनल में देंगे, इस डायगोनल में देंगे ना, तो इस डायगोनल के लिए हम कुछ लिखें, सिक्स प्लस एक देना है, एट प्लस डायगोनल में जो भी ऐड करना, सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन प्लस सिक्स थर्टीन, प्लस टू फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन, ये क्या होगा सिक्सटीन है। और फिर वन कैरी रह गया, वन इसके लिए कैरी रह गया, ठीक है, वन मैं फोर इधर लिखता हूँ फोर, ठीक है, वन इसके लिए कैरी रह गया, तो वन प्लस टू प्लस थ्री फाइव, ठीक है, फाइव प्लस वन ये सिक्स हो गया, तो सिक्स और ये बचा कितना वन। अब सारे नंबर्स को ठीक से कंप्लीट कर देते हैं, ये दिखा जाना चाहिए इधर से, वन सिक्स सिक्स सेवन फोर। अगर आप बना लिए हैं तो आप अपना आंसर मैच कर लेंगे। मैं कुछ और नंबर्स भी लेता हूँ जो आप कर पाएंगे, और मैं लेता हूँ एक स्मॉल नंबर, छोटा नंबर ही लेता हूँ। अगर नहीं सीखे तो दोनों का फिर से मैं एक बार सिखा दूंगा। ठीक है, अब मैं लेता हूँ, शुरू में ट्वेल्व मैंने लिया था, अब मैं सेवनटीन लेता हूँ, सेवनटीन या नाइनटीन लेता हूँ, मैं नाइनटीन लेता हूँ, ठीक है, नाइनटीन मल्टीप्लाई बाई सेवनटीन, मैं ये नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, वन से इसको दो पार्ट में बांट दिया डायगोनली, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करो, नाइन बन जा नाइन, वन बन जा वन, नाइन सेवन जा थर्टी सिक्स, वन सेवन जा नाइन सेवन जा थर्टी सिक्स, ओके, वन सेवन जा सेवन, ओके। अब क्या करना है, क्या डायगोनली ऐड करना है, ठीक है, क्या करना है, डायगोनली ऐड करना है, नाइन सेवन जा थर्टी सिक्स, नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री होता है, ठीक है, सिक्सटी थ्री। अब ऐड करें डायगोनली, थ्री इस डायगोनल को ऐड किया, उसके बाद फिर इस डायगोनल को ऐड करना है, इसमें तुमको कैरी नहीं है, सेवन प्लस सिक्स थर्टीन, थर्टीन प्लस नाइन ट्वेंटी, ठीक है, सेवन प्लस ठीक सिक्स थर्टीन, थर्टीन प्लस नाइन ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू यहाँ टू लिखेंगे, टू कैरी इसके लिए, टू प्लस जीरो प्लस वन प्लस जीरो कितना, जीरो प्लस वन प्लस जीरो वन, ये कितना हो गया थ्री, सेवन प्लस सिक्स प्लस नाइन बाईस, बाईस ये सब कुछ मिसमैच कर रहा है, अच्छा ठीक है, मिसमैच तो नहीं कर रहा, सही ये थ्री बार इसका हो जाएगा थ्री ट्वेंटी थ्री। चलिए सब सही है, ये टू प्लस वन ये वन कह रही था, अब मैच कर लीजिएगा, नाइनटीन प्लस सेवनटीन थ्री ट्वेंटी थ्री। हमको लगा कि कुछ गलत है लेकिन गलत नहीं था, आई एम कन्फ्यूज बट आई एम नॉट, ओके, थ्री ट्वेंटी थ्री। अब मल्टीप्लाई इसी के लिए कर सकते हैं, नाइनटीन सेवनटीन, ठीक है, सेवन बन जाए सिक्सटी थ्री, और सिक्स यहाँ सेवन बन जाए सेवन, नाइन बन जाए नाइन,
9 plus 7, 16. 16 plus 6, 22. 22 और कैरी 2 बचा हुआ है, ठीक है? और 1 बन जा 1, 1 plus 2, 3. 3 plus 2, 3. सही है सर. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. और आपका अच्छा टास्क है जो देखिए बनाना है. कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही करते हैं लेकिन लगता है कि कुछ गलत है, लेकिन गलता नहीं है, ठीक है? लेकिन हमें चेक करते रहना चाहिए ये हम गलत है या फिर सही है. ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.